धन्यवाद 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 हमारे जीते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के इस रात्रि के समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने मेरे जीवन में किया और सभी भाई बहनों के जीवनों में किया। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सुबह से लेके आपने प्रभु जी आज के दिन आपने संभाल के रखा और परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में आपने अगुवाई करके हमारी मदद की, हमारी सहायता किया, हमारे काम में हमारी मदद की, बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा दिया। पिता परमेश्वर इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी वर्क प्लेस में रहा, हमारे साथ जॉब प्लेस में रहा प्रभु जी, सभी भाई बहनों के साथ मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिया प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने ब्लेसिंग दिया, आशीष दिया, छुटकारा दिया, भाई बहनों के जीवनों में चंगाई दिया, अपने चंगाई को परमेश्वर अपने वचन को भेज कर आपने चंगाई दिया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रार्थना को सुन के बहुत सारे लोगों ने चंगाई को रिसीव किया प्रभु जी, जॉब की आशीष को रिसीव किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारे बिग टेस्टमनी जो इनके जीवनों में इन्होंने ग्रहण किया प्रभु जी, वो सारी टेस्टमनी के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हरे भलाइयों के लिए, रात्रि के समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सब परमेश्वर पिता बच्चों के साथ रहा, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जिस काम के लिए जो निकले थे बाहर प्रभु जी, वो सब सारा काम इनके जीवन में सफल करके दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। जितने लोग आज भाई बहन प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना को आप लगातार और आज इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए, तो आप परमेश्वर की वो आशीष को आप ग्रहण कर पाएंगे। आप परमेश्वर पे 100% दीजिए, आपका आत्मा प्राण आज परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, प्रभु का प्रेम आपके जीवन में पाया जाए, पहला प्रेम से भर जाइए आज प्रभु की, वो पहला प्रेम आपके जीवन में उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमने पाप किया हमें प्रभु जी माफ करना, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन है परमेश्वर सबको छुड़ा लो परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर दी, सबको प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। सभी भाई बहनों को माफ करना जो भी पाप हो प्रभु, चाहे वचन में लिखा है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के अर्गवानी रंग लाल रंग के भी क्यों ना, तो वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। सच में प्रभु हमारा छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर है। और आप ये बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर हमेशा वो तत्पर रहता है हमें क्षमा करने के लिए, माफ़ करने, लेकिन हमें चाहिए परमेश्वर देखता रहता है सभी लोगों को कि तू कब मुझे पुकारेगा, तू कब मेरी दुहाई देगा, तो मैं झुक कर मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा और मैं तेरे सारे पापों को क्षमा करके मैं तुझे नया जीवन दूंगा और जो भी तुझे चाहिए वह सब मैं तेरी मुहैया कराऊंगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु की दुहाई दीजिए, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए, प्रभु की स्तुति करिए, मन खोल के पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आइए। प्रभु चाहता है कि मैं आप प्रवचन में पढ़िए, वचन में लिखा है कि मैं तेरी ओर झुककर मैंने तेरी दुहाई सुनी। इसलिए प्रभु हमारी दुहाई को सुनता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। इसलिए आज प्रार्थना कीजिए। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद 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 सच में पिता परमेश्वर। तो आज सभी लोग आप प्रार्थना करिए, इस प्रार्थना में बने रहिए और प्रार्थना के साथ मेरे साथ आज प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती सभी भाई बहनों के जीवनों को परमेश्वर अनुग्रह से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु जी, इनको पूर्ण रीति से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु जी। हमारे हाथों के कामों को पवित्र कीजिए। जितने भाई बहन है परमेश्वर इनको पूरा शुद्ध कीजिए, इनकी आंखों को शुद्ध कीजिए, इनका देखना को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए पिता, इनका सुनना कान को पवित्र कीजिए पिता, इनके मन को, इनके हृदय को कोई भी गलत विचार इनके जीवन में, इनके मन में आने ना पाए यीशु मसीह के नाम से, सारे गलत विचार छोड़कर चली जाए प्रभु जी। दया करो हम पैरों से कोई बुरे मार्ग पे ना जाने पाए और ना अपने हाथों से कोई बुरे काम करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा, बुरी चल चलने वाली आत्मा को डांटती गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक अशुद्ध और पवित्र काम हमसे दूर हो जाए अंदर, माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक अशुद्ध काम और हर एक अपवित्र वस्तु सब हमारे जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु पवित्र कीजिए प्रभु जी, शुद्ध कीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। सच में हम भी पवित्र होना चाहते हैं जैसे आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, और हम आपकी धीमी आवाज को, उस मीठी आवाज को,
आज हम सुनना चाहते प्रभु जी, हमसे बात कीजिए परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस, दया कीजिए प्रभु जी, और उस आनंद से उस खुशी से आज भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में मैं समर्पित करती हूँ हर एक भलाइयों के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू जीसस लॉर्ड जीसस। आपने पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलू फिरू। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी, आपका वचन, आपके वचन से शुद्ध कीजिए। जितने लोग आज बीमार हैं, सभी लोग अपने चेस्ट पे हाथ रखे, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। प्रभु जी, हे सर्व विराजमान हमारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन में छुटकारा निश्चित है, आज इनके जीवन में चंगाई निश्चित है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आज आप अपनी उस चंगाई को ग्रहण कर लीजिए। चाहे आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना, कोई भी बीमारी परमेश्वर, कोई भी बीमारी आप जो जो आपके जीवन में है, कोई बीमारी बड़ा नहीं है, कोई भी बीमारी वो एक बिंदु मात्र भी नहीं है। आप ऐसे धिक्कारिए बीमारियों को, ये बीमारी तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये बीमारी तो मेरे पर हावी नहीं हो सकता, ये बीमारी तो निकल मेरे आज शरीर को छोड़ के। यीशु मसीह के नाम से बीमारी को डांटिए, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, चलते फिरते बोलिए बीमारी गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु की बेटी हूँ, मैं राजा की बेटी हूँ, प्रभु यीशु मेरा डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्य का वैद्य, प्रभु मेरा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे मोल लिया, उसने खरीद लिया है। अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, मेरा चंगा करने वाला यहोवा, तो मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी बीमारी है, सब यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चली जाए, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। हालेलुया, रबा खतुरा लबा शरा लबा खतिरा लबा तिरा, आप भी प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु जी आपको परमेश्वर उस बीमारी से छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है, और आप बहुत बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही दे रहा है आपको, चाहे कोल्ड कफ और फीवर हो, चाहे आप बहुत कई लोगों को जो टाइफाइड, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक एक महीना, दो दो महीना या साल साल से टाइफाइड उनको रहता है, उनके शरीर में रहता है और बुखार अंदर ही अंदर रहता है। मैं ऐसी आत्मा दुष्ट आत्मा को मैं ठाटती हूँ, सारी टाइफाइड की आत्मा छोड़ के चले जाओ, सारे फेवर की दुष्ट आत्मा छोड़ के चले जाओ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरा कोई अधिकार नहीं उनके शरीर पे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप भी बोलिए कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके घायल किए जाने से मैंने छुटकारा पा लिया है। हालेलुया, प्रभु जी, प्रभु की यीशु ने हमें चंगा कर दिया, प्रभु हमें ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, आशीष कर दिया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमें मोल लिया है, दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया, प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, चाहे आपका कोल्ड हो या चाहे कफ हो, चाहे अस्थमा हो, यीशु मसीह के नाम से छोड़ कर चली जाए इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से आपकी जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो इसी वक्त के टॉक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, भगदुरला वशरला भगदिरला वथेरा, आपके गली में प्रॉब्लम है वो सब छोड़ कर चली जाए, बैक की प्रॉब्लम जा रही है अभी छोड़ कर यीशु मसीह के नाम से, आपका घुटनों का दर्द छोड़ कर जा रहा है, आप फील करेंगे, आप अभी फील करेंगे यीशु मसीह के नाम, गर्माहट फील करेंगे अपने शरीर में। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप महसूस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, भगदुरला वशरला भगदिरला वथेरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, फील करेंगे गर्मी जैसा फील करेंगे, इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया आपके ऊपर, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, और सारी बीमारी आपको छोड़ कर जा रही है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हालेलुया, यदि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को महसूस करें तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु उनको ब्लेस कीजिए, उनको और अभिषेक से भर दीजिए, पवित्र आत्मा आग का अभिषेक उनके जीवन में उनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि हर एक बीमारी भस्म होकर जल कर राख हो जाए, सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। जब पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो हर एक बीमारी छोड़कर चली जाती है, वो नष्ट हो जाती है, हर एक बुरे काम नष्ट हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, और हमारे दिल में जो बोझ होता है वो सब
हल्का हो जाता है, सारे दर्द, सारी प्रॉब्लम, सारे भारीपन, सारा बोझ, सारी चिंता सब छोड़कर चली जाती है। तो वचन में लिखा है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो प्रभु आज आपको स्वतंत्र कर, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु आपको टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु यीशु के अभिषेक को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी आशीष का छुटकारा का दिन है, आपकी चंगाई का दिन है। आज आप आनंद आनंद हो जाइए प्रभु में, आनंद मनाइए, खुशी मनाइए कि प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है, पवित्र आत्मा आज आपको टच कर रहा है। प्रभु आपके सम्मुख में पवित्र आत्मा ने आपको चारों तरफ घेर रखा है, आप प्रभु के आप कंट्रोल में, प्रभु आपके चारों ओर है, प्रभु का स्वर्गदूत आपके चारों ओर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सब भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। और जितने भाई बहन जो चिंता करते रहते हैं रात दिन, सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दीजिए। प्रभु कहता है कि तू चिंता क्यों करती है, प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता ना कर, तू अकेले नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हर एक समस्याओं का समाधान होता है, ये मत समझिए कि मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। कई लोग थक चुके हैं अपने जीवन से, लेकिन प्रभु क्या करता है, प्रभु थके हुओं का सहारा है, वो बल देता है, बलहीनों को बल देता है, थके हुओं को सहारा देता है। यदि आज आप थक चुके अपने जीवन में, परमेश्वर आपके साथ, आपको ऊंचा करेगा, आपको खड़ा करेगा। प्रभु का आत्मा कहता है कि मत डर, प्रभु आपको छुड़ाने के लिए आपके सम्मुख में। प्रभु कहता है तू मुझे पुकार के तो देख, मेरे पास आकर तो देख, एक बार तू मुझे बुला तो परमेश्वर, आप एक बार बुलाएंगे परमेश्वर आपके पास बार बार आएंगे। तो प्रभु चाहता है कि आप पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु आपको बचाना चाहता है, क्योंकि प्रभु हमारा हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमें कभी नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। प्रभु इसलिए आया है कि वो अनंत जीवन दे सके। तो आज आप विश्वास करिए, आप प्रभु को पूर्ण रीति से अपने जीवन में लीजिए। कई लोग दोनों पे पैर रखे हुए हैं, उधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, तो ऐसे लोग गड्ढे में गिरते हैं और शैतान पूरा फायदा उठाता है और वो काम करना स्टार्ट कर देता है आपके जीवन में, ताकि कैसे भी करके ये प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे तो ये मेरे कब्जे में आ जाए और चल मैं तेरे को नरक की रास्ते में लेके जाता हूँ, उस गंदगी रास्ते में लेके जाता हूँ जहाँ पर सिर्फ मौत और मौत है और जहाँ का कीड़ा न मरता है, कभी नहीं मरता वहाँ का कीड़ा, मतलब नरक का कीड़ा। तो शैतान कोशिश में लगा हुआ है कि आपको अपनी ओर खींचे, नरक की ओर लेके जाए, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप बच जाए। प्रभु चाहता है कि आप अनंत जीवन के वारिस, प्रभु चाहता है कि आप बीमारी से छुटकारा पाए, प्रभु चाहता है कि आपके सारे दुख मुसीबत दूर हो जाए। लेकिन कमी हम में होती है, तो आज ही अपने पापों से माफी मांगिए और प्रभु को पुकारिए, दुहाई दीजिए, प्रासु के साथ परमेश्वर के सम्मुख आइए। प्रभु सच में बहुत दयालु पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा प्रभु आपको माफ करने के लिए आज भी तत्पर है। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इन्होंने जो भी पाप किए उनको माफ कर दीजिए, इनके सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सब आपके परमेश्वर पाप को क्षमा कर रहा, छुटकारा मिल रहा, प्रभु आपको आशीष कर रहा है। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हमारा चंगा करने वाला है, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इनको छुटकारा दो, आप अकेले नहीं है, हर एक समस्याओं का समाधान प्रभु आपके जीवन में सोल्यूशन कर रहा है, समाधान लेकर आ रहा है। परमेश्वर ऐसी कोई लोगों को भेजेगा आपके जीवन में जो कि वो सॉल्यूशन हो जाएगा, वो आपके हर एक समस्याओं का समाधान निकलेगा, चाहे वो केस के बारे में हो, चाहे वो आपका फाइनेंस के बारे में हो, चाहे आपका कर्ज से रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो, परमेश्वर आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर भेज रहा है, आपकी मदद होने वाली परमेश्वर स्वर्ग से परमेश्वर आपके लिए भेज रहा हो। चाहे वो स्वर्गदूत आपके आज घर में आए, स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे कई बार हुआ है कि परमेश्वर ने हमारी मदद की है, और जो वो जो स्वर्गदूत था वो किसी के रूप में लेकर आया था और उसने मम्मी पापा की मदद की। हम तो छोटे थे और मम्मी पापा की मदद करके वो चला गया, और बाद में हमें पता चला जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने बोला वो एंजल था, वो हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा था। तो आज आपके जीवन में भी परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज सकता है। मैंने एक आपको गवाही भी शेयर की थी एक पास्टर की, जिसको 60,000 एग्जैक्ट 60,000 रुपीस की जरूरत थी अपनी जमीन के लिए, परमेश्वर ने मुहैया करा के दिया, क्योंकि वो प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। एग्जैक्ट 60,000 रुपीस उस स्वर्गदूतों के हाथों में, मतलब मनुष्य ही था, मनुष्य के रूप में आया,
और 60,000 वहां देके वो रख के चला गया। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तत्पर है। यदि आज हम अड़े और खड़े परमेश्वर, हम डगमगाते नहीं, हम दोनों में पैर नहीं रखते, परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करते हैं और प्रभु के प्रेम में बने हुए, प्रभु की आज्ञा को मानते, प्रभु में बने रहते हम और प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु आज आपके जीवन में भी वो डिवाइन हेल्पर को भेजेगा। वो किसी के भी रूप में हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर जो हमसे बात नहीं करते और जो हमसे हमारे दुश्मन होते हैं, तो उसके द्वारा भी परमेश्वर काम करता है। लेकिन हमारा इस धरती में कोई दुश्मन नहीं है, केवल एक है, वो है शैतान। तो इस धरती में रहते हुए हमें सबसे मेल मिलाप रखना चाहिए, कभी भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। और हमारा एक ही है, वो है शैतान। हमें उस पे फतह पा चुकी है, जय परमेश्वर ने दे दिया। तो आज भी आपका विजय का दिन है, आपके जय का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है, आपके आज ब्लेसिंग का दिन है। प्रभु आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर भेज रहा है, परमेश्वर आपको चाहे वो डिवाइन परमेश्वर आपको ब्लेस कर, आशीष कर। हालेलुया, पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, चाहे आपके जॉब की रिक्वायरमेंट हो, चाहे कोई भी जॉब वीजा का, सब का परमेश्वर खोल रहे यीशु मसीह के नाम से। और आप ब्लेस्ड होकर बदलने वाले हर एक बातों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते कि परमेश्वर के जीवन में डिवाइन हेल्पर को भेज रहे। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती, परमेश्वर आपको विजय दे रहा है, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। डिवाइन हेल्पर भेज रहे आपके जीवन में, रिसीवर डिलर पर बोलिए कि मैं रिसीव करती आज अपने जीवन में डिवाइन हेल्पर को, ईश्वरी मदद को मैं आज अपने जीवन में रिसीव करती हूँ, रिसीव करता हूँ, ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में मदद को भेज रहा है स्वर्ग से और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आपके रास्ते में जो भी रुकावट आ रहा है सबको दूर कर रहा है। परमेश्वर आपको विजय दे रहा है, आपके फाइनेंस को ब्लेस कर रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है, आपकी समस्याओं को दूर कर। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके साथ है, हमारा अनुग्रह कार्य विलंब से को करने में अति करना है। प्रभु जी आपके हाथों में साथ है, हर एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्रेम में बने रहे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, बढ़ाएगा। और कई लोगों के घर में जो लड़ाइयाँ झगड़ा होती है, हर एक लड़ाई झगड़ा की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे ब्लेसड हों यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में आशीष का आशीष ही आशीष हो। आप रोज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को टाइम दीजिए, प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आपके अन्न जल को परमेश्वर ब्लेस करे और आशीष करे, आपके पानी को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनको और इनके परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सर्व सौंपती हूँ। घर के इशारों और स्वर दूतों के बाड़ों में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ, इनके परिवार को, इनके घर को, इनके घर के हर एक कोने कोने को मैं स्वर दूत के बाड़ में कवर करती हूँ मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद। इनके हाथों के कामों को ब्लेस कर दीजिए पिता, इनके फाइनेंस को ब्लेस कर दीजिए मसीह के नाम से। अपने सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। रात को सब भाई बहनों को अच्छी मीठी नींद देना पिता परमेश्वर, और स्वप्न दर्शन से बातचीत करना। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र से मांगते सुनना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुन लिया। हमारे इस प्रार्थना की वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और हमारे इस प्रार्थना के वीडियो को सुनिए। जब इस प्रार्थना को सुनेंगे तो हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाएगी, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप स्पेस न दे शैतान शक्ति को, उसके कामों को, प्रभु आपको आशीष करे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही विजय पाई है अपने बीमारी के ऊपर और आज मैं चंगी भली हूँ। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया, चंगाई दिया, तो प्रभु आपके जीवन में भी जरूर काम करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। आप सभी लोगों को जय मसीह की।